कोई भी चीज़ जिस अस्तित्व में दो बार पैदा होती है, पहले आपके विचारों में आती है, उसके बाद असलियत में प्रकट होती है। कभी मत भूलना, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा सृजन करते हैं। तुम स्वयं ही अपने भाग्य विधाता हो। सातवें आसमान पर बैठा हुआ कोई परमात्मा तुम्हारा भाग्य नहीं लिखता। भगवान बुद्ध ने कहा, मनुष्य जैसा जैसा सोचता है, जैसा जैसा विचार करता है, वैसा वैसा ही बनता चला जाता है। यू बिकम व्हाट यू थिंक। तुम्हें हमेशा स्मरण रहे, तुम आज वही हो जो तुमने अनंत बार चाहा है, विचारा है, जिसकी भावना की। तुम्हारा आज का जीवन वही है जो तुमने कल सोचा था, और तुम्हारा कल का जीवन वही होगा जैसा जैसा तुम आज सोचते हो। तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारी सोच का परिणाम है। इसलिए अपनी सोच बदल कर, अपनी विचार प्रक्रिया बदल कर, तुम अपना पूरा जीवन, पूरा भविष्य बदल सकते हो। चेंज योर थाट्स एंड चेंज योर डेस्टिनी। क्या सोचते हो ये इतना महत्वपूर्ण है, किंतु आपका ध्यान इस पर कभी जाता ही नहीं। विचार शक्ति के विज्ञान का सार सिर्फ इतना है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, वेदर यू वांट इट आर यू डोंट वांट इट। यानी जिन जिन चीज़ों पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है, वह चीज़ें आपको अवश्य मिलती हैं, चाहे आप उन्हें पाना चाहते हो अथवा नहीं पाना चाहते हो। यह अपवाद रहित नियम है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, उसकी चिंता करते रहना, उस चीज़ को अपने पास पहुंचने का आमंत्रण दे देना होता है। यू आर इन्वाइटिंग सच थिंग्स सिंपली बाई थिंकिंग अबाउट देम कॉन्स्टेंटली। जिस तरफ तुम्हारा ध्यान निरंतर लगा रहता है, वही चीज़ आकर्षित होती हुई, खींचती हुई तुम्हारे पास चली आती। सोचना आमंत्रण बन जाता है। अगर तुम्हें निरंतर इस बात की चिंता लगी रहती है, कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा एक्सीडेंट रोक नहीं सकती है। क्योंकि बार 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 एक्सीडेंट के बारे में सोच सोच कर आपने एक्सीडेंट को आमंत्रित कर दिया। इसीलिए विचार शक्ति के विज्ञान का महत्वपूर्ण सूत्र है, थिंक बिग ड्रीम बिग। बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। अभी मैं कह रहा था, हर मनुष्य अनंत शक्तियों का स्रोत है। यद यद ब्रह्मांडे तत् तत् पिंडे। बहुत सारी शक्तियाँ आपके भीतर समाहित हैं। आप उनमें से 5 से 7% शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं, शेष सारी शक्तियाँ आपकी सोई पड़ी रह जाती हैं। सदगुरु वही है जो तुम्हें तुम्हारी ही शक्तियों का अधिकतम उपयोग करने की कला सिखा देता है। क्या है विज्ञान कि तुम अपनी अधिक से अधिक शक्तियों को जगा सको? उस विज्ञान का सार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति का संकल्प, जिस व्यक्ति का साध्य, जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना बड़ा होता है, उसके भीतर छिपी हुई शक्तियाँ उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विस्फोट करती हैं और उतनी ही अपेक्षित मात्रा में प्रकट होने लगती हैं। मैं नहीं कहता हूँ अपनी आवश्यकताओं को कम करो, मैं कहता हूँ अपनी आवश्यकताओं को फैलाओ, अपनी आकांक्षाओं को विराट होने दो, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियाँ उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विस्फोट करें और तुम अपनी मनचाही आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सफलता हासिल करो। ये शक्तियाँ जागती हैं तब जब तुम उन शक्तियों के सामने बड़ा लक्ष्य रखते हो, बड़ी चुनौती रखते हो, नहीं तो सोई पड़ी रह जाती। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि अगर एक साधारण आदमी, कमज़ोर सा आदमी, मरियल आदमी, उसको पता चल जाए कि एक आदमी अपने हाथ में छुरा लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ा है और वो अपना छुरा उस साधारण आदमी की छाती में भोंक देने वाला है, ऐसा व्यक्ति भागता है अपने प्राण बचाने के लिए, तो आपको पता है इस साधारण कमज़ोर से आदमी की प्रति सेकंड स्पीड भागने की कितना हो जाती है? वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि प्रति सेकंड भागने की स्पीड ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता की स्पीड से भी ज़्यादा हो जाती है। उस साधारण आदमी के भीतर इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से आई? आसमान से? आसमान से नहीं, शक्तियाँ तो सब उसके भीतर ही सोई थी। जब प्राण बचाने की चुनौती आई, तब वो शक्ति जो सोई हुई थी वो जाग गई।
यानी जब बड़ा लक्ष्य होता है, जब चुनौती मिलती है, तब शक्ति जागती है। तुम जिंदगी में असाधारण चीज़ें क्यों नहीं प्राप्त कर पाते हो? क्योंकि कभी तुम उन चीज़ों को प्राप्त करने का लक्ष्य ही नहीं बनाते हो, इसलिए तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति जाग ही नहीं पाती है कभी। आज मनोवैज्ञानिक शोध इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है, व्हाट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। मनुष्य जिन जिन चीज़ों की सोच सकता है और किन कर सकता है, उन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। इस पृथ्वी पर असाधारण सफलता प्राप्त करने वाले सारे लोग बड़ी सोच वाले लोग हुए हैं। जिस चीज़ को तुमने कभी सोचा ही नहीं, वो तुम्हें कैसे मिल जाएगी? तुमने चीफ मिनिस्टर बनने की कभी सोची? कभी नहीं सोची। जिस चीज़ को तुमने सोचा ही नहीं, विचारा ही नहीं, उसको पूरा करने के लिए, उसको साकार करने के लिए तुम्हारे भीतर की शक्ति ही नहीं जाग सकती। तुमने कभी प्राइम मिनिस्टर होने का सपना देखा? तुम सोच ही नहीं पाते हो। जाने कितनी चीज़ें हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं एक व्यक्ति 24 घंटे के भीतर 60,000 से 65,000 विचार करता। लेकिन एक दूसरी हैरान करने वाली बात, वे कहते हैं कि मनुष्य हर रोज उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, कोई नई चीज़ आप सोचते भी नहीं हो। आप देखो, तुम घर में गुस्सा होते हो, 99% रोज़ उन्हीं बातों में गुस्सा होते हो। आप अगर गंभीरता से देखें तो आपकी ज़िंदगी कोल्हू के बैल की तरह है, 24 घंटे एक परिधि में ही घुमा करती है। एक सीमित सोच की आदत पड़ गई है, इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें असाधारण चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि असाधारण चीज़ों को पाने के लिए तुम्हारी सोच भी सीमा रहित होनी चाहिए।